हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंचुरी मास्क के बारे में कि वेंचुरी मास्क क्या होता है। हम पढ़ेंगे इसमें वेंचुरी मास्क की डिफिनीशन, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और साथ ही पार्ट ऑफ वेंचुरी मास्क एंड कलर कोडिंग ऑफ वेंचुरी मास्क। हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेंचुरी मास्क के बारे में। तो पहले हम देखेंगे वेंचुरी मास्क की डिफिनीशन। इसकी डिफिनीशन हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज अ मेडिकल डिवाइस विच डिलीवर ऑक्सीजन टू द पेशेंट ऑन कंट्रोल्ड O2 थेरेपी। इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस विच डिलीवर O2 टू द पेशेंट ऑन कंट्रोल O2 थेरेपी। मीन्स जो वेंचुरी मास्क होता है ये एक मेडिकल डिवाइस होता है और इसके द्वारा जो पेशेंट होता है उसको ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है और जो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है उसका जो प्रोसेस होता है उसी को हम ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं। देखिए, जो वेंचुरी मास्क होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं एयर इंटेनमेंट मास्क। ये इसका सेकेंड नेम है। फर्स्ट हम बोलते हैं वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क जो होता है ये मेडिकली अधिकतर यूज किया जाता है इस वर्ड को, लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है कि अदर नेम ऑफ वेंचुरी मास्क या फिर वेंचुरी मास्क आल्सो नोन एज, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इसको बोला जाता है एयर इंटेनमेंट मास्क। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेशन। क्या क्या इंडिकेशन होते हैं वेंचुरी मास्क के? तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं डिजायर टू डिलीवर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो वेंचुरी मास्क होता है वो कब हम पेशेंट को दे सकते हैं, इंडिकेशन में यही देखा जाता है कि कब इस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ डिजायर टू डिलीवर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ O2, मतलब जो पेशेंट है अगर उसको ये नीड हो, ये आवश्यकता पड़ रही है कि उसको एग्जैक्ट अमाउंट में हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, तो उस समय हम वेंचुरी मास्क का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन मीन्स कि किन किन कंडीशन में हम वेंचुरी मास्क पेशेंट को नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पुअर रेस्पिरेटरी इफर्ट। मीन्स जो पेशेंट है अगर उसका रेस्पिरेटरी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, वो इफर्ट नहीं लगा पा रहा है रेस्पिरेशन के लिए, तो वहाँ पे हम वेंचुरी मास्क उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट एपनिया। एपनिया एक मेडिकल टर्म है, इसका मतलब होता है कि जो पेशेंट है उसका जो नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न होता है, जैसे 15 to 25 जो नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न होता है उसको माना गया है कि 15 to 20 ब्रीथ प्रति मिनट नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होता है, लेकिन अगर एक पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न 10 से कम हो जा रहा है, 10 ब्रीथ प्रति मिनट से भी कम हो रहा है, तो उस समय हम वेंचुरी मास्क उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो उसकी कंडीशन होगी हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन आर्टेरियल ब्लड। मतलब जो आर्टेरियल ब्लड होता है अगर उसमें O2 का कंसंट्रेशन लो है तो उस समय भी हम वेंचुरी मास्क पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट ऑफ वेंचुरी मास्क। जो वेंचुरी मास्क होता है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं हम इस फिगर के थ्रू समझेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने फिगर बनाया हुआ है वेंचुरी मास्क को। सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है उसको हम मास्क बोलेंगे। ये जो एरिया है इसको मास्क बोलेंगे जो हम पेशेंट के माउथ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल ट्यूब। ये जो फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक
जो ये ट्यूबिंग है इसी को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल ट्यूब, जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। थर्ड इसका जो पार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल एडाप्टर। जब पेशेंट की ओटो थेरेपी हो जाती है उसके बाद हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है रिमूवेबल एडाप्टर। या इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं जेट डायलूटर, या इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं वेंचुरी वैरल। मींस इसको हम वेंचुरी वैरल भी बोल सकते हैं, जेट डायलूटर भी बोल सकते हैं, या रिमूवेबल एडाप्टर भी बोल सकते हैं। इसके तीन नाम है। तो यहाँ हमने देख लिया इजली कि जो वेंचुरी मास्क है इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट ट्यूबिंग वाला है, और ये थर्ड पार्ट है। यहाँ से देखते हैं, देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ से ऑक्सीजन पेशेंट को सप्लाई की जाती है, जो ट्यूबिंग होती है यहाँ से पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। ये जो ऑक्सीजन होती है वो 100% ऑक्सीजन होती है। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे इंटर करती है, यहाँ पे एक चैम्बर होता है जिसको हम रूम एयर चैम्बर कहते हैं। ये इसलिए रूम एयर चैम्बर कहते हैं चूँकि यहीं पर जो रूम की एयर होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन और रूम एयर दोनों मिक्स होती हैं। मीन्स यहाँ से तो फ्रेश ऑक्सीजन जा रही है, 100% ऑक्सीजन जा रही है, और यहाँ से जो रूम की एयर है वो जा रही है, और ये जो आगे वाला चैम्बर है यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो मिक्स हो जा रही है। मीन्स रूम की एयर और ऑक्सीजन दोनों मिक्स होकर यहाँ से पेशेंट को प्रोवाइड की जा रही है, जिसको बोलते हैं इनहेल्ड मिक्सचर ऑफ 100% O2 एंड रूम एयर। मतलब यहाँ से जो चैम्बर स्टार्ट होता है, ये जो ट्यूबिंग है फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग है, इसमें जो एयर जा रही है वो मिक्स एयर है। मतलब जो रूम की एयर है और साथ ही जो हम उसको 100% पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो दोनों मिक्स होकर जो एयर जा रही है ट्यूबिंग के थ्रू, वो इनहेल्ड मिक्सचर ऑफ 100% O2 एंड रूम एयर है। नेक्स्ट ये हमारा मास्क। मास्क में जो यहाँ पे एक क्लिप लगी होती है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल नोज क्लिप। एडजस्टेबल नोज क्लिप जैसे नाम से यहाँ पे पता चल रहा है, क्योंकि जब हम मास्क फेस पे अप्लाई करते हैं तो जो ये क्लिप वाला पार्ट है बिल्कुल पेशेंट के नोज पे आता है, और इसी के द्वारा हम मास्क को एडजस्ट करते हैं, इसीलिए बोला जाता है एडजस्टेबल नोज क्लिप। आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पार्ट है, यहाँ पे मास्क के बीचों बीच कुछ ओपनिंग बनी होती हैं। ये ओपनिंग जो होती हैं ये इसलिए होती है कि जब पेशेंट ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेने के बाद जब वो एयर को आउट करता है, मीन्स जैसे उसके लंग से एयर आउट होती है तो उसको निकलने के लिए यहाँ पे कुछ ओपनिंग बनाई जाती है, जिसको बोला जाता है ओपनिंग एग्जेल एयर। एग्जेल का मतलब ही होता है किसी चीज का बाहर निकलना, तो यहाँ पे ओपनिंग बनाई जाती है जिसके थ्रू जो एयर है वो आउट हो सके। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे एक लैटेक्स रबड़ की बनी हुई स्ट्रैप लगी होती है, जिससे जो पेशेंट का मास्क होता है उसको हेड में स्ट्रैप करके टिकाया जा सके, इसलिए इसको बोला जाता है हेड स्ट्रैप, नाम से ही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। तो ये है हमारे वेंचुरी मास्क के पार्ट, कि कौन कौन से पार्ट हैं वेंचुरी मास्क के और उनको कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोडिंग के अकॉर्डिंग जो वेंचुरी मास्क होता है उसका फ्लो रेट क्या होता है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होता है। कलर ऑफ वेंचुरी मास्क, O2 कंसंट्रेशन, इसको हम परसेंटेज में देखेंगे O2 कंसंट्रेशन को, और O2 फ्लो रेट। O2 जो फ्लो रेट होगा इसको हम 1 लीटर प्रति मिनट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जान लेते हैं कि जो कलर ऑफ वेंचुरी मास्क होता है इसको मेनली 6 कैटेगरी में रखा गया है। मतलब वेंचुरी मास्क जो होते हैं वो कलर के अकॉर्डिंग 6 टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से हैं वो हम आपको बताएंगे। इसमें जो फर्स्ट है वो है ब्लू। ब्लू कलर का जो वेंचुरी मास्क होता है इसकी जो O2 कंसंट्रेशन होती है परसेंटेज में वो होती है 24%। साथ ही जो इसका O2 फ्लो रेट होता है 2 लीटर प्रति मिनट। हमने जान लिया ब्लू के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाइट। नेक्स्ट जो वेंचुरी मास्क होता है व्हाइट कलर का। इसका जो O2 कंसंट्रेशन होता है परसेंटेज में होता है 28%। साथ ही जो व्हाइट कलर का वेंचुरी मास्क होता है इसका जो फ्लो रेट होता है लीटर प्रति मिनट में वो होता है 4 लीटर प्रति मिनट। हमने यहाँ पे दो कलर के जो वेंचुरी मास्क हैं उनको देख लिया। अब नेक्स्ट जो कलर है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है ऑरेंज।
ऑरेंज कलर का जो वेंचुरी मास्क होता है उसके जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन परसेंटेज में होता है वो होता है 32-31%। देखिए यहाँ पे 32-31% कहने का मतलब ये है कि हम जो भी बुक्स पढ़ेंगे बुक्स में अलग अलग रीडिंग दी होती है, किसी में 30% दिया होता है, किसी में 31% दिया होता है। तो अगर एग्जाम में ऑप्शन पे आ जाता है 30 या फिर 31, तो वहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने बताया आपको कि जो ऑरेंज कलर का वेंचुरी मास होता है उसका जो O2 कंसंट्रेशन होता है वो 32-31% होता है, और इसका जो O2 फ्लो रेट होता है वो 6 लीटर प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे येलो कलर। येलो कलर का जो वेंचुरी मास होता है इसका O2 कंसंट्रेशन होता है 35%, और जो O2 फ्लो रेट होता है इसका होता है 8 लीटर प्रति मिनट। यहाँ पे हमने देख लिया येलो के बारे में कि येलो जो कलर का वेंचुरी मास होता है उसका जो O2 कंसंट्रेशन होता है वो 35% होता है, और जो फ्लो रेट होता है वो 8 लीटर प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेड। रेड कलर का जो वेंचुरी मास होता है उसकी O2 कंसंट्रेशन होता है 40%, और जो O2 फ्लो रेट होता है वो होता है 10 लीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट जो कलर है वेंचुरी मास का वो है ग्रीन। ग्रीन कलर का जो वेंचुरी मास होता है इसकी जो O2 कंसंट्रेशन होती है वो होती है 60%। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा, अगर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि सबसे ज़्यादा O2 कंसंट्रेशन किस कलर के वेंचुरी मास की होती है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का वेंचुरी मास होता है उसकी O2 कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, साथ ही जो फ्लो रेट होता है वो होता है 15 लीटर प्रति मिनट। तो देखिए हमने यहाँ पे इजली देख लिया कि 6 कलर के वेंचुरी मास्क होते हैं जिनकी O2 कंसंट्रेशन उनके कलर के अकॉर्डिंग रखी गई है, और साथ ही जो फ्लो रेट है उनको भी यहाँ दिखाया गया है। अगर आप वेंचुरी मास्क का कलर याद कर लेते हैं, जो ये कलर का सीक्वेंस यहाँ पे मैंने बताया, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो फिर O2 कंसंट्रेशन और फ्लो रेट याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप कलर कोडिंग को सीक्वेंस से याद कर लेंगे तो आप यहाँ इजली देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। 24, 28, फिर 30, 35, 40 एंड 60 को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीन जो कलर का वेंचुरी मास होगा उसकी जो O2 कंसंट्रेशन होगी सबसे ज़्यादा होगी। अब अगर हम फ्लो रेट की बात करें तो अगर हमने कलर कोडिंग याद करी हुई है तो फ्लो रेट याद करने में भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि सब में सिर्फ दो दो का डिफरेंट आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, और लास्ट वाला जो है वो 15 है, क्योंकि लास्ट जो वेंचुरी मास है ग्रीन कलर वाला उसका O2 कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और फ्लो रेट भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ आप इजली देख पाएंगे। तो इस तरह से आप ये इजली याद कर सकते हैं कि जो वेंचुरी मास्क होते हैं कलर के हिसाब से उनका जो O2 कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है परसेंटेज में, और साथ ही जो फ्लो रेट होता है वो लीटर में कितना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो फर्स्ट इसमें है फाइन कंट्रोल ऑफ O2 कंसंट्रेशन एट फिक्स्ड फ्लो रेट, मतलब कि जो वेंचुरी मास्क होता है उसके द्वारा हम जो फ्लो रेट होता है मतलब ऑक्सीजन जितनी मात्रा में हमको पेशेंट को देनी है हम उसको एक्यूरेट बिल्कुल मेजर कर सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं कि हमको इतना ही फ्लो रेट पेशेंट को देना है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है डज नॉट ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब जो वेंचुरी मास्क होता है इसके द्वारा हम अगर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो वहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो ड्राई नहीं होती है। नेक्स्ट है कैन बी यूज्ड फॉर लो फ्लो रेट, हम जो वेंचुरी मास्क होता है इसको लो फ्लो रेट पे भी फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प टू डिसाइडिंग वेदर द O2 रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज और डिक्रीज, मीन्स जो वेंचुरी मास्क होता है इसके द्वारा मौसम के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन की नीड होती है उसको हम बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में चाहिए तो हम वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं, और अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में चाहिए तो भी हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं इसी में। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज कि जो वेंचुरी मास्क होता है उसके डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं। अनकंफर्टेबल, जो वेंचुरी मास्क होता है ये पेशेंट को जो है अधिकतर होता है कि वो अनकंफर्टेबल ही फील करता है जो पेशेंट होता है। नेक्स्ट है ये एक्सपेंसिव होता है, मतलब थोड़ा महंगा होता है। थर्ड है इंटरफेयर विद ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मीन्स जो
फ्रीक्वेंसी मास्क होता है वो इंटरफेयर करता है खाने के समय या फिर कुछ पीने के समय। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज इसके कुछ खास नहीं है, लेकिन जो वेंचुरी मास्क होता है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट को, हम उतने ही फ्लो रेट में और परसेंटेज के हिसाब से जितना ऑटो का कंसंट्रेशन हमको देना है हम उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। आई होप कि इस टॉपिक पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वेंचुरी मास्क के बारे में कि वेंचुरी मास्क क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और ये कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग कितने कलर का होता है। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।